अंकल जी बताएं कि करंट व्हाट योर ओपिनियन अबाउट करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में, जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका क्या हिसाब किताब है? नहीं, मैं कोई ऐसी खबर नहीं दे सकता हूँ। तो मसला क्यों ये, पाकिस्तान की जो हालात है सब बहुत मतलब सरूज जा रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे ज़िला गुजरात में और गाँव मकैणे के भी कुछ नाले बन रहे हैं और तमाम पाकिस्तान की सूबे पंजाब की तमाम सड़कें बढ़ रही हैं। इसमें कुछ हालात ऐसे मतसरूम होते हैं, पहले थे जो बयान पता ही है, सबसे पहले थे जो आगाज कर रहा हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान अनायत रहम करने वाला गफूर रहीम है, दिलों के पेद त्यों जानता है, कराने पाक की तलाब शुरू थी फिर उसके बाद गाँव शुरू होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मिनट से लाकर 7 मिनट की अनाउंसमेंट होगी, ज़्यादा नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 14 अगस्त 1947 को हमारे कैद बाबे काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये पाकिस्तान आज़ाद कराया था। ये आज़ाद मुल्क है, ये गुलामी का नहीं, ये गुलामी की जंजीरों से उसने निकाला था। ये बाबे काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ऐसे साल 75 साल हो गए ने पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, अपनी जो 75 साल की आँख सोई रही है। मेरे मुसलमान भाइयो, अपनी आँख नू गेड़ो, आज तुहानू पता ही है पाकिस्तान सूबा पंजाब जिला गुजरात डिंगा रोड तमाम सड़कें नवी तमीर हो रही ने सूबे पंजाब के मकैणा में और गाँव मकैणा में नाला भी तमीर हो रहा है। इंशाल्लाह ये मैं इंटरव्यू जो दे रहा हूँ भाई वहीदुल्ला भाई वीर साहब नू इस्लामाबाद के बारे में इंटरव्यू दे रहे हूँ। इंशाल्लाह 5 तरीक नू कोशिश करा दे असी इस्लामाबाद जाने की भी, तो इंशाल्लाह कोशिश साड़ी यही रही है। तमाम आवाम 22 करोड़ आवाम अगे अपील करना चाहते हैं कि इसकी बात है अपनी जो हमारे बाबे काज़ी आज़म मोहम्मद जी साहब जनाह साहब ने काम किए थे, आप लोग ने बढ़ चढ़ कर काम करने हैं और इसे लाने हैं। जो रफाई आमों के काम होते हैं इसमें बड़ी मेहनत बड़ी लगन बड़े जज्बे से काम हो रहे हैं। सूबे पंजाब के जितने भी काम है बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। गाँव में कहने की सड़क भी तमीर हुई है और नाले भी तमीर हो रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह कोई वोटों के बारे में बातचीत नहीं हो रही। इंशाल्लाह चौथे महीने दी 23 तारीख नू दिसंबर में 23 तारीख में इंशाल्लाह तोड़े वोट भी होने ने तो, और वोटों के बारे अज तक तुहानू किसे नहीं दसिया। वोट कौम की कमानत है, कौम एक तोड़ा वोट है जमीर का, वोट है तोड़ा मान का और तमार का। अपने तुसी जमीरों नू मुर्दा नहीं करना, दिल च सिर्फ अल्लाह की जात का डर रखना है। ए नहीं आखना मेरे उत्ते किसी चीज़ का दबा है। लिहाजा लियाकत इंतजामिया कमेटी के मैंबर साहब ही ऐलान कर रहे हैं इंशाल्लाह वोट देना है, सोच समझ के देना है। किसी मौसम आदमी नू वोट देना है, मुनसर आम आदमी आता है जोड़ा हक सच का अल्लाह की अदालत के सामने भी और अल्लाह के सामने भी फैसला हक सच का करे। वोट एक कौम की इमानत है। हमारे कैद ने वोट बनाए थे बाबे काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, दौर का वोट चल रहा हूँ नहीं। और चीफ जस्टिस भी रहे ने और वकील भी रहे ने, जो वकालत उन्हें की है अच्छी की है, वकालत उन्होंने अलावा किसी नहीं की, उन्हें हर ऐन दे विच लिखी है। हमारे मुल्क की ऐन कायम है तो सब कुछ कायम है, ऐन कायम नहीं तो मुल्क कायम नहीं है। ऐसी बात है, तमाम मीडिया के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मीडिया के नुमाइंदों को अपील कर रहा हूँ, ज़्यादा तुम पाकिस्तान नू 70 से 75 साल हो गए ने आज़ाद होया, तुम पाकिस्तान नू बचाना है। मेरे मुसलमान भाइयो, हर नेट ते हर खबर ते हर टीवी ते हर चैनल तुम देखते हो मुल्क की महंगाई भी बड़ी है, महंगाई से कंट्रोल कर रहे हैं इंशाल्लाह, हुक्मरान भी कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? दो मुल्क की जंग की वजह तो मुल्क की महंगाई है, दो मुल्क के बीच जंग भी लगी है तो दूसरे नंबर से मुल्क के बीच जलजले भी आए ने। जलजले उस वक्त उन्हें हुकूमत आमदे ने जिस इस रिजक का कलमे का और दीन की किताब का इतराम नहीं कर दिया, उन्होंने जवाल आमदे ने तो तोड़े मुल्क अल्लाह ताला की जात नाल साडा मुल्क सूबा पंजाब आगे तक जवाल दे चक्कर तो बचे है।
2023 के बयान आए इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद और फिरदाबाद। मैं मशहूर हूँ कि आपने बिल्कुल पॉलिटिकल सिचुएशन से हट के किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बगैर बयान दिए, तो उम्मीद है कि मुखियाना गांव की सूरतेहाल वो दिन ब दिन बेहतर होगी। हाँ। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि मुखियाना गांव के लिए बढ़ चढ़ कर जो भी है इंतजामिया का कोई भी काम है उसमें हिस्सा लेना चाहिए, और जितने भी मुखियाना के जो रफाया मगर जो यूरोप की कंट्रिया में या यूरोप के मुल्कों में है उनका काम है बढ़ चढ़ कर। हाँ। जो जनाज गाह के काम शुरू होते हैं, जो मस्जिदें तमीर होती हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इंशाल्लाह रोजा का महीना अगू आ रहा है, जितने भी तुम अपनी तोड़ी इंशाल्लाह कमेटी इंतजामिया कमेटी बनी है, उस इंतजामिया कमेटी का लियाकत का मुड़ा है, ना के जी लियाकत केड़ा और लियाकत पहाड़िया जड़ा वहीद ओदा ना वहीद है ज कमर है कमर भी वहीद दो है लियाकत दा ते मुड़े दा ना वहीद है ना यार जिन्हें वाल रखे आहो वहीद ओदा ना वहीद है वहीद अमर कमेटी का ज़कात कमेटी का मेंबर ने इंशाल्लाह ओ ज़कात कमेटी का मेंबर ने ज़कात कमेटी का मेंबर का काम है जो ज़कात मिलती है ये गरीब आवाम जड़ी है जड़ियाँ समझो बेवा औरतों ने उन्होंने हक अदा किए जान।